अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे बायोलॉजी के पास्ट पेपर जो 2008 से लेके 2020 तक हैं, उसके सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और अगर ये आपने कर लिए, ये 50-60% पास्ट पेपर से रिपीट होते हैं। ये जो एमसीक्यू हैं बायोलॉजी के, ये पास्ट पेपर से रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और अगर ये आपने कर लिया तो ये 50-60% यही एमसीक्यू द्वारा ये गारंटी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीक हम करेंगे यही 2008 से 2020 तक केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के, फिर इंग्लिश, क्योंकि मेरी पीआईडी बायोकेमिस्ट्री में है, तो इसलिए मैं पहले बायोलॉजी को डिस्कस करूंगा, फिर केमिस्ट्री को। वैसे तो केमिस्ट्री मेरी फेवरेट है, ठीक है, तो लेकिन बायोलॉजी को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बायोलॉजी के में अंदर 2008 में सबसे पहला एमसीक्यू आया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। तो इसमें आपको पता ही है नोसीसेप्टर जो होते हैं वो सेंसेशन ऑफ पेन करते हैं। तो नोसीसेप्टर का वर्ड आ गया तो आपको ज़हन में आ जाना चाहिए सेंसेशन ऑफ पेन। व्हेन योर फिंगर एक्सीडेंटली गेट्स कॉट इन डोर, जो है ना दीवार में उंगल आ गई है, तो पेन मैसेजेस सेंड टू योर ब्रेन थ्रू सेंसरी रिसेप्टर। ये सेंसरी रिसेप्टर ही है ना, ये हीट को भी सेंस करते हैं, हर तरह की सेंसेशन को सेंस करते हैं, तो इसमें सेंसरी रिसेप्टर ठीक होगा। नेक हैज पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट, पाइवोट क्योंकि ये एक ही जगह पे फिक्स है। एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन बेकॉम, ये बिलीरुबिन होता है, ज़ैंथिन होता है, ये न्यूक्लिक एसिड का हेप्टोक्रिटिन, क्रिएटिनिन ये प्रोटीन है मसल की, तो इसमें बिलीरुबिन जो है वो ठीक है। In what reaction can DNA polymerase work when catalyzed by addition of a nucleotide monomer to build a strain of DNA from the replication center in four reactions, forward भी और backward, replication fork के दोनों reaction पे replication होती है, एक में leading strain होती है और दूसरे में lagging strain होती है। Which part is potential source of chemical energy for cellular activity, ये hydrocarbon CH bond, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और ये CH bond जो है ये फैट के अंदर ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो डबल अमाउंट में एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में CH bond कम होते हैं, इसलिए एनर्जी भी कम देते हैं, जबकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को देखें तो 4.something किलो जोल पर मोल एनर्जी देती है, लेकिन फैट्स 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी है कि डबल अमाउंट में देते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें CH बॉन्ड ज़्यादा होता है, वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो ज़्यादा एसिटाइल को प्रोड्यूस करते हैं। चार गैस एंड रेज आर इंक्लूडेड इन क्लास कॉन्ट्रोथाइज, ठीक है। In what stage of aerobic respiration are two carbon molecules oxidized completely to carbon? Krebs cycle में जो दो कार्बन का एसिटाइल को हो जाता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। एक कार्बन निकलता है जब सक्सीनल को अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज होता है, दूसरा कार्बन निकलता है जब अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सीनल को में चेंज होता है। तो एक जब अल्फा मेटोग्लूटरेट बनता है, दूसरा जब सक्सीनल कोए बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, आपको पता ही है इसमें हाइड्रा ऑप्शन है। हाइड्रा के अंदर क्योंकि एक ही एंड होता है, नोज से ही सीक्रेशन करता है, तो इसलिए इसमें चीज़ें अंडर डेवलप होती हैं, हाइड्रा इसमें ऑप्शन है। हम एक बार बिलोंग टू द कैटेगरी, ये 2008 का पेपर हम हेट्रोथर्म्स, हेट्रोथर्म्स जो है ये हमें बर्ड्स हैं जो हेट्रोथर्म से बिलोंग करते हैं। ये बार बार रिपीट होता है। सेफिलिस इज कॉज्ड बाय, ये पैलिडियम जो है पैलिडियम बैक्टीरिया ये कॉज करता है। ट्रीपोनीमा पैलिडियम, ठीक है। ये याद रखने के लिए हर साल तकरीबन रिपीट होता है, सेफिलिस जो है वो पैलिडियम काज करता है। इन बोथ मेल इज होमोगैमेटिक,
ठीक है, हमारे अंदर तो वो हेटरोगैमेट होता है, लेकिन मोल्स के अंदर ये होमोगैमेट होता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ होमोग्लोबिन टू होल्ड ऑक्सीजन डिक्रीज, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी। द सल्फर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज ए साइटोसोल, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, छठी का क्वेश्चन है। नेम द डेवलप्ड आरएनए वायरस दैट कॉज इंफ्यूजन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस डी है उसमें सिर्फ आरएनए वायरस होता है, ए और बी के अंदर डीएनए वायरस होता है, तो इसमें हेपेटाइटिस सी वाली ऑप्शन ठीक है। इन जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन ड्यूट्रोफाइकोटा, ड्यूट्रोफाइकोटा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होती है, ये याद रखना है आपको। नेम द वर्टेब्रेट विच विच आर विदाउट जॉस, ठीक है, ये साइक्लोस्टोमेटा, इनके अंदर ये है जॉस नहीं होते। द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग व्हेन फुली इन्फ्लेटेड 5 ml, ये भी बार बार रिपीट होता है, ये 5 ml होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कोलन कर्मा सेल्स, इसमें फाइबर्स भी नहीं होते, स्क्लीन होते, वैक्सेस में नहीं होती, कोई भी इसमें ऑप्शन है ठीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट बोथ लीफ एंड फ्रूट ग्रोथ, ये जिब्रालीन जो है ना दोनों की ग्रोथ बढ़ा देता है, लीफ की भी और फ्रूट की, ये स्प्रे भी करते हैं हम लीफ और फ्रूट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जिब्रालीन का। नेम द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ ग्रोथ इन प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं आपस में तो ग्लूकोज बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर फैक्टर है। द जीन्स ऑफ ब्लू ऑप्शन आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम नंबर 7, ये याद रखने, ऑटोसोम नंबर 7 के ऑप्शन ब्लू के जीन यूज होते हैं। द ड्यू ट्रॉप ऑन टिप्स ऑफ ग्रास लीव इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सुडेशन, यानी कि जो लीव की टिप के अंदर से पानी निकलता है उसको हम एक्सुडेशन कहते हैं। Which of the following modify protein and lipid by adding carbohydrate, Golgi apparatus, बिल्कुल सिंपल है, बार बार रिपीट होता है Golgi apparatus है। Which of the following are spiral shaped bacteria, Vibrio cholera, ठीक है, Vibrio cholera जो है वो spiral shaped होता है। Which of the following is used for lowering blood cholesterol, यहाँ पे statin आ जाएगा वो cholesterol की drug, यहाँ पे end के ऊपर statin, ये मैं आपको common concept दे रहा हूँ। स्टेटन मीन के वो हाइड्रोक्सीथाल ग्लूटराइल को ये रिडक्टेज को ब्लॉक करेगा, तो लोवा स्टेटन जो है ये ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल्स, ये यूथेरिया, ये 2008 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, यूथेरिया। द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल व्हिच होल्ड वाटर टुगेदर इज कॉल्ड कोहेजन, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जोड़ी रखती है वो कोहेजन मॉलिक्यूल थ्योरी होती है। पिक द पैराटोनिक मूवमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, नास्टिक मूवमेंट जो होती है वो पैराटोनिक होती है, ये आपने याद रखना है, ये आप मैंने कहा कि बायोलॉजी में डेफिनेशन जो होती है वो बहुत ही जरूरी होती है, और कौन सा प्रोसेस किसको रेगुलेट कर रहा है वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। It controls the several automatic functions like breathing, heart rate and blood pressure, but you are part of your brain, ठीक है, तो breathing को भी control करता है, heart rate को भी control करता है और blood pressure को भी control करता है। Which of the following has 40 chromosomes, ठीक है, तो 40 chromosomes mouse के अंदर होते हैं आपको पता ही है, तो mouse इसमें right option है। अगर काम आ जाता है उसमें 20 होते हैं, frog में 26 होते हैं, sugar cane में 110 to 120 होते हैं, तो ये याद रखना है माउस के अंदर 40 होते हैं, बार बार प्राग भी बार, ये मैंने इसलिए साथ लिख दी है ताकि आपको याद रखे, ये प्राग भी बार बार आता है, इसमें 26 होते हैं और ह्यूमन बींग में 23 होते हैं पेयर। द सेल सस्पेंशन कल्चर ऑफ प्रोड्यूस क्यूनिन, सिकोना प्लांट होता है जो क्यूनिन प्रोड्यूस करता है, जो कि मलेरिया के अंदर यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्लेंडर इन स्ट्रक्चर, इसमें आपको पता ही है, जो ऑप्शन ए है माइक्रोट्यूब्यूल वो भी सिलेंड्रिकल होता है, जो ऑप्शन बी है माइक्रोफिलामेंट वो भी सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, लेकिन इसमें ये रॉन्ग है, इंटरमीडिएट फिलामेंट,
माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। द नेता ब्रेन टिश्यू दैट कंटेन अबाउट 85% ऑफ योर ब्लड। ठीक है, ह्यूमन टिश्यू वो है ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स में 85% का ब्लड होता है। बकाया सेल्स के अंदर 65-70% होता है ब्रेन की सबसे ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी कलरलेस होता है और क्रोमोप्लास्ट भी कलर्ड होता है, सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है। नेम द वन विच इन्वॉल्व द डीएनए रेप्लिकेशन, मेसोसोम जो है वो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये याद रखना है, मेसोसोम वाला भी बार बार रिपीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रूटलेस स्पोरोफाइट्स, ये साइलोप्सिडा जो है ये होते हैं रूटलेस स्पोरोसाइट। क्लोरोफिल अब्सॉर्ब मेनली वायलेट ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वायलेट ब्लू जो है ज्यादा ये अब्सॉर्ब करते हैं। दे नॉट हैव एडाप्टेशन टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ देयर सेल्स इन फ्रेश वाटर, हेटरोफाइट्स ही होंगे क्योंकि वो वाटर में रहते हैं तो इसलिए वो रिमूव नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन जो होता है यानी कि अंदर की चीजें जो बनाता है वो जो है बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है। द डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज जो है ये आपके ब्रेन के फंक्शन को काम कर रहा है। प्रोफेज पैराफेज टेलोफेज आर सब डिवीजन ऑफ कैरियोकिनाइसिस, ये आपको याद रखना है कैरियोकिनाइसिस में ये फेजेस आते हैं। ऑर्गन आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली लाइक होमोलोगस की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने कहा आपको डेफिनेशन बड़ी अच्छी आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर टू डायोडिन, स्टार जो है वो ब्लू कलर देती है, ग्लाइकोजन रेड ब्राउन कलर देती है, सेलुलोज कोई कलर नहीं देती, तो इसमें स्टार ब्लू ग्लाइकोजन रेड ब्राउन ये भी आ सकता है, रेडिश ब्राउन कौन सा कलर देती है वो ग्लाइकोजन। हर्ब्स सिंप्लेक्स इज कॉज्ड बाय इनवेल्व डीएनए वायरस, ये इनवेल्व डीएनए वायरस होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये भी बार बार रिपीट होता है। नेम द साइनोबैक्टीरिया व्हिच आर हेल्पफुल इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये हाइड्रोसिस्ट होते हैं, ये कौन से होते हैं हाइड्रोसिस्ट। नेम द क्लास दैट कंटेन सीडलेस प्लांट्स, ये फिलीसिनी ये जो है ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं। विच एनरोबिक का वर्ड आ गया तो इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द मसल सेल ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल ड्यूरिंग द सेम फिजिकल एक्टिविटी, लैक्टिक एसिड पाइरूवेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर पाइरूवेट प्रोड्यूस होता है और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो पाइरूवेट लैक्टेट में चेंज हो जाता है, अगर ऑक्सीजन मिलती है तो वो एसिटाइल कोएल में चेंज होकर क्रैब साइकिल में यूटिलाइज होता है। How many water approximately is required to feed 1 kg of ammonia nitrogen? Half liter चाहिए होते हैं, यानी कि 500 liter चाहिए होते हैं। Which disease causes immobility and fusion of vertebral joint? Rickets, rickets ये कारण करते हैं। Which hormone continue to promote protein synthesis for the body even after the cease in growth? ये सोमैटोट्रोपिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये ग्रोथ जारी रखता है। पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकस या लोसाई कहते हैं, तो लोकस इसमें सही है। पिक द बायोटिक कंपोनेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एनिमल जो है वो बायोटिक है। द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉल्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये एंटी पैरेलल होती है, एक 3-5 प्राइम जाती है दूसरी 5-3 प्राइम जाती है, तो ये एंटी पैरेलल होती है। द नेम द क्लास विद विदाउट एंटीने, ये आर्किनिडा जो होते हैं ये एंटीने के बगैर होते हैं। द फिकन सिंप्लेक्स स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा जो एक पैरासाइट है वो कॉज करता है। Which of the following does not belong to angiosperm family? Apiaceae जो family है ये flowering plant से belong करने का। Apiaceae ये जो है नहीं involved होती।
द नेम द न्यूट्रिशन रिजल्ट बाय फीडिंग ऑन हेड एंड किंग मैटर। सैप्रो फीडिंग मुद्दा न्यूट्रिशन होता है और बैक्टीरिया और फंजाई का होता है। How many grams of nitrogen can be eliminated in the form of uric acid by 50 ml of water? 50 ही यूज होगी, 1 ml 1 gram nitrogen. Which disease is caused by low calcium in the blood? टिटैनी यानी कि मसल का कट जाना, ये टिटैनी जो है वो लो कैल्शियम लेवल से होती है। It is known that red algae promote flowering in long day plants. ये फ्लावरिंग प्रमोट होती है रेड लाइट। द कलर फिनोटाइप ऑफ ग्रीन इज सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सिक्स लील, ठीक है, ये सिक्स लील जो ग्रीन कलर का कंट्रोल कर रहे हैं। इन जोन द लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, ये प्रोफंडल है जो है लाइट इस जोन में ये सपोर्ट नहीं करती फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्टिमल टेम्परेचर है हम जैन ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसमें वो बेस्ट वर्क करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेज वुडन शेप्स, ये ट्रेडो ये जो है कर सकता है वुडन शेप, तो भी जितना खतरनाक ये होता है ये खरीदो और ये वुडन शेप को भी डैमेज कर। विच ऑफ द फॉलोइंग में बिल्ड फॉर रेड एल्गी, रेड एल्गी ये हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े रीफ बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ए बॉडी कैविटी, के सोलोमेटा जो है वो इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, ठीक है। नेम द न्यूरोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रूट्स ऑफ द ईटिंग ऑफ लैटरिंग फूड, ये लिनिया नर्वोसा है, ठीक है। और अगर उसमें आप फूड नहीं खाते तो उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। तो फैटनिंग फूड ये इसमें ये रंग है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जब आप डाइटिंग करते हैं फिर आपके वो नर्वस सिस्टम पे सवार हो जाता है कि मैंने अगर थोड़ा भी खाया तो मैं मोटी हो जाऊँ, ठीक है। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा ये नर्वस डिजीज है, ये आपसे सी आपसे ठीक है गलती से बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबुलर एक्सिटरी सिस्टम कॉल्ड मेटानेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया आपको पता ही है एर्थवर्म्स के अंदर होते हैं। नेम द ह्यूमन टिश्यू दैट कंटेन अबाउट 85% ऑफ वाटर, ये इसी में दोबारा रिपीट हो गया है ब्रेन सेल, ठीक है। अब हम 2009 के करेंगे, ठीक है, इसके दो दो करके कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना महसूस करें। अभी 2008 और 9 करेंगे, फिर 10 और 11 करेंगे, फिर 11 और 12 करेंगे, फिर 12 और 13 और 14 करेंगे, फिर 15 और 16 करेंगे। फिर डीएनए स्टेन इज जी सी टी ए टी जी जी, तो ये जी के साथ सी लगता है, सी के साथ जी लगता है, ए के साथ टी लगता है, टी के साथ ए लगता है, टी के साथ ए लगता है, टी के साथ ए, जी के साथ सी, जी के साथ सी, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है। तो डीएनए है तो इसमें इसके अपोजिट सीक्वेंस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बेस्ट डिस्क्राइब, तो अगर पॉजिटिव चार्ज बार की तरफ ज्यादा है तो वो एक्टिव पोटेंशियल को शो करता है, और अगर नेगेटिव चार्ज बार की तरफ ज्यादा है तो फिर वो जो है ना रेस्टिंग स्टेट को शो करता है। तो एक्टिव पोटेंशियल ये ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज बार की तरफ ज्यादा है, तो अगर बार की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो तो वो एक्टिव पोटेंशियल को शो करता है। टिश्यू रिजेक्शन इज एक्सिक्यूटेड बाय टी लिम्फोसाइट, तो ये किसको कौन करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट करते हैं। Which of the following statement best describes the function of sinoatrial nerve? It sends out electrical impulses to arterial muscle causing both arteria to contract. यानी कि both arteria ने left और right arteria ने contract करना होता है तो उस वक्त ये signal भेज देता है sinoatrial nerve. A central cavity of kidney where urine is collected after filtration is known as
पेल्वस, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, पेल्वस कैप। एल्डोस्टेरोन प्ले रोल इन द, ये अगर एल्डोस्टेरोन का वर्ड आपने सुन लिया तो आपके जहन में फौरन से सोडियम आ जाएगा, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। और अगर एंटीपायरेटिक हार्मोन का सुन लिया तो उसमें आपके जहन में वाटर आना चाहिए। तो एल्डोस्टेरोन हमेशा सोडियम के लिए होता है। आप टेक अप सोडियम फ्रॉम लोपामफेनोल, इसलिए लोपामफेनोल ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है उसमें पोर्शन जो है। टेक्निक यूज फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में आप जो है रेडिएशन के जरिए स्टोन को रिमूव करते हैं, तो ये लिथोट्रिप्सी होता है। मैक्रोस्कोपिक स्मॉल साइज कॉल इज ड्यू टू जेनेटिक इफेक्ट है, ठीक है, जीन्स के साथ इसका लिंक होता है। जॉइंट्स दैट लो द मूवमेंट इन सेवरल ट्रैक्ट, ये तकरीबन हर दो साल बार रिपीट होता है। बॉल एंड सॉफ्ट जॉइंट, ये हमें, ये हमारे बॉल एंड सॉफ्ट जॉइंट है, ये हमें डिफरेंट एक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प होता है। द कॉलेजन फाइबर ऑफ बोन्स आर हार्डनेड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो बिल्कुल सिंपल है, कॉलेजन फाइबर कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से ही होते हैं हार्डनेड। Which of the following neurotransmitter lies outside the central nervous? Acetylcholine, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। Which hormonal pair share a common hypothalamic releasing factor? एक होता है follicle stimulating hormone और दूसरा luteinizing hormone, वो भी जो ये strong करती है। Which of the following will happen if fertilization does not occur? कार्पस ल्यूटिनम डीजनरेट हो जाता है और उसके बाद फिर मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। न्यूबॉर्न इन्फेंट में रिक्वायर सीरियस आई इन्फेक्शन इफ हिज आर हर मदर हैज गोनोरिया, या इन्फेक्शन का अगर जिक्र आ गया तो और वो सीवियर है तो वो गोनोरिया। At the phallic end of primitive streak, closely packed cell form a local thickening known as ये Hansen's node, इसको कहते हैं, ठीक है, जो जो node closely packed cell का बनता है उसको हम Hansen node कहते हैं। In plant, the red algae red light favor elongation of cell. प्लांट के अंदर जो रेड लाइट है वो लॉन्गेशन ऑफ सेल, जैसा को फ्लावरिंग प्लांट्स में उनका फ्लावर बड़ा करना हो तो उसमें रेड लाइट का रोल होता है। द रिएक्शन बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर इज ए डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इन द एनिमल, ठीक है। डिहाइड्रेशन जब भी कोई एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो वाटर निकलता है और एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो इसमें एस्टर बॉन्ड बन रहा है तो इसमें वाटर रिमूव होता है। कोई भी बॉन्ड है उसमें वाटर बनता है, जब वो वाटर रिमूव करता है तो इसमें वाटर रिमूव होगा और एस्टर बॉन्ड बनेगा, वो लाइक एस्टर बॉन्ड। एग्जाम व्हिच अटैचेस द ऑपोजिटिव फ्रैगमेंट इन लैगिंग स्टेट लाइगेज, जब दो फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम आ गया तो डीएनए लाइगेज एटीपी की ड्यूटी करता है। In phenylketone, urea phenylalanine is not degraded because of defective enzyme, जिसको phenylalanine hydroxylase करते हैं या oxidase करते हैं। Male with XXY chromosome suffer from Klinefelter syndrome, ये आपने याद रखना है, ये बार बार रिपीट होती है, Klinefelter syndrome। इंटरनल ऑर्गन ऑफ और इसमें एक्स एक्स वाई याद रखना है कि ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को शो करते हैं। इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय व्हिच सेल कमिट सुसाइड इज कॉल्ड एपोप्टोसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो एपोप्टोसिस की डेफिनेशन आपने इसी तरह कर लेनी है। फ्रैगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेसिकल व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से ये बनती है। व्हेन फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट इज इन बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगोट पैरेंट इट इज कॉल्ड इनकंप्लीट डोमिनेंस, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स
एक प्लेट के आगे आप दूसरी के दोस्तों इन कंप्लीट ओपनेस के विच आर द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट आरएच ब्लड आरएच पॉजिटिव ब्लड इट विल प्रोड्यूस एंटी आरएच एंटीबॉडी इफ गिव्स आरएच ब्लड ठीक है तो इसमें आपको पता है एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर इनसेंसिटिव इन दैम यूज्ड इन पीसीआर इज टैग पॉलीमरेज ये थर्मल सिक्वेटिकस एक बैक्टीरिया होता है जो हार्ट स्ट्रिंग में होता है वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है तो इसलिए उससे जो इंजाइम डालते हैं ना टैग पॉलीमरेज वो भी 96-98 बल्कि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है तो इसमें टैग पॉलीमरेज सही है क्लोनिंग इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपको याद होना चाहिए कि क्लोनिंग का वर्ड कहीं पे भी आ गया वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एंटीजन टू ट्रीट नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा आर प्रोड्यूस्ड बाय टोबैको प्लांट तो ये बार बार ट्रीट होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा ये ट्रीट करते हैं टोबैको प्लांट के जरिए उसके एंटीजन को The survival of an organism during the struggle for existence is not random but depends on its genetic constitution. उसकी genetic constitution क्या है उससे ये depend करता है. Evolutionary relationship among the species are reflected in their DNA and protein. तो उसकी DNA कैसी है और protein कैसी है. If all the member of a population are homozygous for the small allele That is said to be fixed and fixed होता है जीव कोशिका disease in living organism which are caused by parasite are called infestations यानी कि वो penetrate करते हैं the nutrient cycle are also called biogeochemical cycle को nutrient cycle कहते हैं The productivity of aquatic ecosystem is determined by light and nutrient. So, वहाँ पे light कितनी है और nutrient की कितनी quantity है. What is the drawback of nuclear energy? It causes radiation pollution. जो कोई भी uranium जो है वो आसपास radiation hazards होती है. Arteriosclerosis is a degenerative disorder. क्योंकि इसमें cholesterol इकट्ठा होता है और वहाँ से degeneration start हो जाती है. एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज तो इसलिए उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं क्योंकि जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं वो उसके लिए एंटीबायोटिक वायरल डिजीज के लिए वैक्सीन यूज करते हैं मीडिएटेड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज एटीपी एटीपी जो हमें बोरन से एनर्जी देती है हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्यों क्योंकि इसके अंदर दो अल्फा और दो बीटा साइनोर तो अगर एक से ज्यादा यूनिट हो और वो ट्रस्टी स्ट्रक्चर हो तो उसमें उसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज ए प्रोटीन व्हिच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सब तो इसमें चार सब यूनिट होते हैं अगर मायोग्लोबिन होता उसमें सिर्फ टर्शियरी स्ट्रक्चर होता क्योंकि उसमें एक सब यूनिट है अगर एक से ज्यादा सब यूनिट आ जाए तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा पेप्सिन एंजाइम इज प्रोड्यूस इन इनएक्टिव फॉर्म एंड इज एक्टिवेटेड इन सिचुएशन व्हेन इट रिक्वायर्ड बिकॉज क्वाइट कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल्स इन इंटरनल स्ट्रक्चर पेप्सिन अगर एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाए आपके स्टमक के अंदर तो क्या होगा वो अपने इंटरनल लाइनिंग को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है फिर पेप्सिन और एससीएल उसको एक्टिव फॉर्म में ले गया जैम आफ्टर कैटालिसिस डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम प्रोडक्ट ठीक है ये अनचेंज रहते हैं यानी कि आफ्टर परफॉर्मिंग फंक्शन एंजाइम ने सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया दोबारा एंजाइम अवेलेबल होता है किसी और सब्सट्रेट को खड़े और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू प्रोसीजर आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम ठीक है राइबोसोम जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो पॉलीसोम बनाते हैं Detoxification of harmful drugs ये बार बार रिपीट होता है रिजेंटा सेल इज डन बाय स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक राफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन सिंथेसिस में बार होती है लेकिन सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है हार्मफुल
डिजीज़ ये जो है लिपर्ड की डिजीज है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। टेसी डिजीज है लिपर्ड की डिजीज है। व्हाट इज अबाउट द पैटर्न बाल्डनेस? इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज इन मेल नॉट फीमेल। इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज इन मेल, यानी कि अगर एक भी लेन चला गया तो डिजीज का आता है। सिम्पटम्स ऑफ हर्ट्स सिंप्लेक्स इज वेस्कुलर लेजंस एंड इन द एपिथेलियल लेयर प्लाज्मिड हो गया, प्लाज्मिड हो गया, ये बड़े अच्छे वैक्टर हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। Which of the following is an aerobic bacteria? Pseudomonas जो है, Pseudomonas ये जो है, ये aerobic bacteria है। The giant amoeba inhabit mud at the bottom of fresh water ponds and obtain energy from methanogenic bacteria। Methane जो use करते हैं उससे ये energy हासिल करते हैं, methanogenic bacteria। A large group of parasite protozoa, some of which cause various diseases such as malaria to human. तो ये स्केल्मेंट्स जो होते हैं ये भी काज कर सकते हैं, क्योंकि स्केल्मेंट्स जो होते हैं ये आपका मच्छर वगैरह की यानी कि वैरायटी। Penicillin is obtained from penicillin notatum. ये आपने याद रखना है notatum। Penicillin हमेशा penicillin notatum से बनेगी। Which of the following component is less resistant to decay? Chitin, chitin जो कि सेल वॉल आपकी जाइंग होती है वो लेस होती है डके। आर बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, लाइकन जो होते हैं वो बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन होते हैं। The gymnosperm are called naked seeded plant because they bear naked ovules. इनके ओवियर बाहर नजर आ रहे हैं ovules, ठीक है, इसलिए इनको gymnosperm तो कहते हैं, जबकि angiosperm में ये छुपे होते हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर। The integumented intestine मेगास्पोरंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। ओव्यूल की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, द इंटरगुमेंटेड इंडेसेंट मेगास्पोरंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। पल्सेस आर प्रेजेंट इन द फैमिली फैबेसी, पल्सेस जो है वो फैबेसी के अंदर मौजूद होती हैं। इट इज एन एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन, कैटल पिग दैट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। टेपवर्म जो होते हैं लोग यूज करते हैं, कैटल पिग जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन को भी यूज करते हैं, बाज काज भी कैटल को यूज करते हैं, बाज काज ये पिग को एज ए सेकेंड होस्ट में लेते हैं। सीसी फ्लाई कॉजेस द स्लीपिंग सिकनेस, ये बार बार रिपीट होता है। And skin diseases by transmitted pangasoma. Sloam is a cavity lined by mesoderm. इसके ऊपर mesoderm होती है। Which of the following molecule is used by accepting hydrogen in Kelvin cycle? 1,3 bisphosphoglycerate. Kelvin cycle में ये जो है produce होता है 1,3 bisphosphoglycerate. The molecule formed after the first phosphorylation during glycolysis is glucose-6-phosphate. Glucose-6-phosphate सबसे पहले बनता है। Glucose के छठे कार्बन के ऊपर glucose लिखता है, hexokinase या glucokinase। Krebs cycle in mitochondria takes place in the mitochondrial matrix. Matrix में ही होता है। At the junction between esophagus and stomach, there is a special ring of muscle called cardiac sphincter. Cardiac sphincter होता है, ठीक है, बाद इसको esophageal sphincter भी कहते हैं, लेकिन इसमें ये cardiac sphincter इसकी सही definition है।
Pancreatic and pancreatic secretion are also stimulated by hormone called secretin. Secretin जो है वो ये secretion बढ़ा देता है. Like pepsin, trypsin is also secreted by inactive trypsinogen, which is activated by enterogenesis. ये याद रखें, जो trypsin है, trypsinogen है, ये trypsin में convert होता है by enterogenesis. क्या सारे जो इंडक्टिव एंजाइम है जो पैंक्रियास से रिलीज होते हैं, इसमें काइनोट्रिप्साइनोजेन है, प्रोलास्टेज ए है, बी है, ये ट्रिप्सिन से एक्टिव होते हैं. सिर्फ एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्साइनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. क्या साहब जो पैंक्रियाटिक नैनोजेन होते हैं उनको एक्टिव करता है ट्रिप्सिन. During photorespiration, the glycolate is converted into glycine in the structure of cell called peroxisome. ये peroxisome में glycine जो है वो synthesized होती है. The respiratory pigment which has a much higher affinity to combine with oxygen, ठीक है, वो myoglobin. हीमोग्लोबिन से ज्यादा एफिनिटी होती है मायोग्लोबिन जो आपके मसल्स के अंदर होती है. मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की दो फॉर्म होती है ब्लड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड. बाइकार्बोनेट जो है वो 20:1 की रेशियो में होती है, यानी कि 20 टाइम हायर होता है कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट. तो बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो वो बनता है कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड फिर बाइकार्बोनेट बनाता है और वो बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा होता है ब्लड. एंटीबायोटिक आर एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन, जो भी फंक्शनल प्रोटीन होती है, ठीक है, वो ग्लोबुलर है. तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन भी सही हो सकता था, पता नहीं. फिर ये इनको ऑप्शन थोड़े से ज्यादा वेरी करते हैं. हेपरिन प्रिवेंट ब्लड क्लॉट एंड इज रिलीज बाय बैसोफिल. ये याद रखना है कि हेपरिन जो है वो बैसोफिल सेल से रिलीज होती है, ठीक है. आगे हम 2010 करेंगे, अभी आपने 2008 और 2009 किया. तो अगले लेक्चर में होगा, अभी थोड़ी देर बाद हमने अपलोड करेंगे उसको यूट्यूब पे, वो 2010 और 2011 का. थैंक यू ऑल. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.